الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير حاضرين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آسان قرآني کا آج همارا لكتر نمبر आज के लेक्चर के बाद अल्लाह के क़रम से हमारा जो बेसिक अरबी ग्रामर कोर्स था जिसको हमने मुहर्रम के महीने से शुरू किया था आज उसको हम कंप्लीट करेंगे इसके बाद इन रमज़ान में इस चीज़ का याद आप करेंगे और आने वाले सेशन में अल्लाह तबार के फलोक करम से हम इजी कुरानी ग्रामर का जो एडवांस सेक्शन है या एडवांस कोर्स है उसको शुरू करेंगे एडवांस कोर्स में जो कुछ बारीकियां रह गई है जो कि बेसिक कोर्स में अभी हमने शुरू नहीं की है उनको उठाया जाएगा और उसके बाद कुरान मजीद की आयतों को एक एक करके उठा के हर एक आयत की जो नहवी तरकीब है उसको की जाएगी और आपके सामने कुरान मजीद को समझाया जाएगा कि इसका ट्रांसलेशन इस आयत का कैसे होता है और हर आयत में जो भी अरबिक लफ्ज़ आता है वो इसम है फेल है हरफ है और उसके बाद इसम में कौन सा कस्म है फेल की कौन सी किस्म है और हरूफ कैसे इस्तेमाल हुए हैं, और उनका तर्जुमा उसके क्या बन के आ जाता है हमारी इस कोशिश की यानी एक वजह ये थी कि कुरान अज़ीम को आप लोगों के लिए बहुत ही आसान बनाया जाए इसीलिए इसको हमने पचास लेक्चर्स में डिस्क्राइब किया है अगर कोई भी लेक्चर आपका मिस हुआ हो तो एक तो हमने जो मेरी यूट्यूब चैनल है डॉक्टर खालिद हकीम उसमें इस पूरे कोर्स का अलग से प्ले बनाया है इजी कुरान ग्रामर इन उर्दू के नाम से पूरा लिस्ट मैं शेयर भी करूँगा WhatsApp ग्रुप में और दूसरे जो सोशल मीडिया हमारे हैंडल से उस पर भी हम शुरू करेंगे गुजारिश है कि अगर कोई आपका लेक्चर मिस हुआ हो तो उस लेक्चर को फिर से आप यादा करें अपने नोट्स बनाएं और जब हम अनाउंस करें इसका एडवांस कोर्स उस वक्त आप तैयार रहें ये जो कोशिश है कुरान को सीखने की ये आसान कोशिश हमने की है और इसको कंटिन्यू रखना यह आपकी जिम्मेदारी है अल्लाह तबारक ताला का फजल और उसका एहसान शामिल हाल होना चाहिए और शैतान के जो धोखे और शैतान ये कहता है कि वक्त नहीं मिलेगा कैसे करोगे उम्र में कैसे होगा बड़ा टफ है उन तो तमाम शैतानी वसवास को आपको छोड़ना पड़ेगा तो आज के इस लेक्चर को शुरू करेंगे जो कि जुमलाफे का 30वां बाब है यानी हमने अभी तक जो भी अपने लेक्चर्स दिए हैं उनमें 20 लेक्चर हमारे पास जुमले इसमिया के थे और 30 लेक्चर हमारे पास जुमले फेलिया के थे आज का जो लेक्चर है ये असल में एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है जिसमें हम बहुत सारी चीजें जो भी हमने अभी तक पढ़ी है उनका एक आखिरी निचोड़ देंगे क्योंकि ये चीज़ आपको एडवांस क्लास में बड़ा फ़ायदा देगा आपको पता है कि जब भी हमने फेल की बात की जुमले फेलिया की बात की जुमले फेलिया में मैंने आपको ये बताया था कि जुमले फेलिया में बुनियादी तौर पर हमारे पास एक फेल होता है चाहे वो माजी का हो या मुजारा का हो फिर उस फेल के बाद फाइल होता है यानी फेल का करने वाला और अक्सर हमारे पास जो फेल मुतादी है उसमें फाइल के साथ साथ मफूल भी होता है अभी जो मफूल होता है आपको याद रखना चाहिए ये मफूल एक इसम होता है जैसे फ़ाइल एक इसम होता है और फाइल और मफूल में क्या फ़र्क है फाइल जो है हमारे पास हालत नसब हालत रफ़ा में होता है जबकि जो हमारे पास मफूल होता है वो हालत नसब में होता है तो इस फाइल की अरबी ग्रामर में कुरानी ग्रामर में इस वक्त आपको याद रखना चाहिए छह बड़ी किस्में तो फाइल तो फाइल होगा यानी आप कहेंगे फेल फाइल उसके बाद आप मफूल कहेंगे तो मफूल जो है इसकी हमारे पास अरबी ग्रामर में छह बड़ी किस्में हैं आज हम इन ही यानी जो हमारे पास मफूल है वो उनकी छह बड़ी किस्में जानेंगे इनको हम मनसूबात भी कहते हैं क्योंकि फाइल हमारे पास यानी मफूल हमारे पास मंसूब की सूरत में होता है नसब की सूरत में होता है आज हम जानेंगे ये जो मनसूबात है यानी हमारे पास मफूल की जो अलग अलग किस्में छः बड़ी किस्में हैं उनको आज के इस लेक्चर में हम काउंट करेंगे उनको हम जानेंगे और उनका इस्तेमाल देखेंगे आपको आपके नोट्स बनाने के लिए ये मैं बताता फिर से चलूं कि हमारे पास जुमले फेलिया में जो मफूल होता है मफूल के तौर पर इस्तेमाल होने वाले जो भी असमां हमारे पास होते हैं जो फेरिया में जिनको हम आ, मफूल कहते हैं वो असल में आसमा ही होते हैं इसी होता है उनकी छह बड़ी किस्में हैं सबसे बड़ी किस्म और सबसे पहली किस्म है उसको हम कहते हैं मफूल भी अब अभी तक आप सिर्फ मफूल कह रहे थे यानी फेल फाइल और मफूल अब जो मफूल है उसकी आप याद रखिएगा छह बड़ी किस्में हैं और ये छह किस्में आपको आज के इस लेक्चर में समझाई जाएंगी सबसे पहली कस्म है जिसको हम कहते हैं मफूल बिही मफूल बिही ऐसा इसम है या ऐसा मफूल है जो मंसूब होता है जो नसब पे आता है और जिसका असर यानी फाइल के काम का असर जिसपे पड़े डायरेक्टली अगर फाइल के काम का असर मफूल पर पड़े तो ऐसे मफूल को मफूल बिही कहते हैं मिसाल के तौर पर हमारे पास सूरत कबूत आयोटी फोर अल्लाह तबारा फरमाते हैं खला पैदा किया अल्लाह ने यहाँ पर खला का जो है फेल है अल्लाहु फाइल है फाइल क्यों है क्योंकि हालत रफा में है उसके बाद है वल अल्लाह ने पैदा किया या पैदा किया अल्लाह ने आसमानों और जमीन को असमावती वालदा ये दोनों जो है ये मनसूब है ये नसब में है और ये नसब में इसलिए है क्योंकि ये हमारे पास मफूल है ठीक है तो मफूल जो हमारे पास होते हैं इसमें जो पहली किस्म है इसको हमने नाम दिया मफूल बिही तो मफूल बिही ये जो मफूल बिही यहाँ पर जो इस्तेमाल हुए हैं अस्मा वाल अर्द दा, ये मफूल इसको मफूल बिही इसलिए कहते हैं क्योंकि फाइल का कंप्लीट असर इन्हीं मफूलत पे होता है जैसे अल्लाह ने फरमाया खलाकल्ला अल्लाह ने बनाया तो खालिक तो है अल्लाह बनाने वाला फाइल जो है वो अल्लाह है और उनका असर मफूल पे डायरेक्ट पड़ता है क्या बनाया असमावती वाल अर्दा जमीन और आसमान आसमान बहुत सारे और जमीन फिर अल्लाह फरमाता है बिलहक ये अल्लाह ने बनाया हक के साथ तो इस आयत में आपने देखा कि खला का फेल अल्लाह फाइल असमावात वाल अर्दा ये मफूल है मगर कौन सा मफूल मफूल बिही क्योंकि इस मफूल का जो असर है यानी ये, ये जो ये जो फाइल का असर है ये डायरेक्टली मफूल पर पड़ा तो ऐसा मफूल जिसका डायरेक्ट फेल का असर फाइल का असर पड़े ऐसे फाइल को इन्हें ऐसे मफूल को हम मफूल बिही कहते हैं याद रखना चाहिए कि जो मफूल बिही है ये एक मतलब एक भी हो सकता है या एक से जायद भी एक साथ ही आ सकता है सूरत लम्बी आयत नंबर बत्तीस में अल्लाह फरमाता है वजा अल्लाज मतलब हमने बनाया यहाँ पर फेल फाइल इसी में मौजूद है क्योंकि ये जमा मुतकलम का सेगा तो इसमें फेल फाइल इसी के अंदर है ये और हमने बनाया क्या बनाया असम आसमान को तो आसमान जो है असम ये मफूल बिहे है एक महफूज छत तो असमा भी यहां पर मफूल भी ही हुआ सकफम महफूजन ये यह जो यहाँ पर आप देखते रहे महफूजन ये हमारे पास मौसू सिफत बनकर मफूल बन गया और कौन सा मफूल मफूल भी क्योंकि फाइल का डायरेक्ट असर इस पे पड़ गया तो असमा आ ये जो है ये भी हमारे पास मफूल है मनसूब की शक्ल में और शक्म महफूजन ये भी हमारे पास यानी मफूल भी ही बन गया तो एक साथ एक से ज्यादा मफूल फाइल के बाद आ सकते हैं तो यहाँ पर आपने देखा इसका तर्जुमा और हमने बना दिया आसमान को एक महफूज शब्द छत इसी तरह सूरत एक सौ पचीस में अल्लाह फरमाता है व तखा और बना लिया अल्लाह अल्लाह ने इब्राहिमा इब्राहिम को खलीलन दोस्त यानी यहाँ पर इब्राहिमा भी मफूल बिही है और खलीलन ये भी मफूल बिही है तो दो मफूल बिही एक साथ जमा हो गए जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया आयत नंबर अल्लाह फरमाता है अलम क्या नहीं हमने अल अर्दा जमीन को मिहादन एक फर्श तो अल अर्दा जो है ये भी मफूल है मफूल बिही और मिहादन ये भी मफूल बीह है तो मफूल बिही दो दो भी एक साथ आ सकते हैं तो मफूल बिही ऐसा मफूल है जिस पे फाइल का डायरेक्ट असर पड़ता है फेल और फाइल का डायरेक्ट असर पड़ता है ऐसे मफूल को हम कहते हैं मफूल बिही ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला इस्तेमाल होने वाला मफूल है और पहली कस्म यही है मफूल की इन मंसूबात में से जो छह किस्में हैं सबसे पहले है मफूल बिही अब आप जब जुमले फेलिया पढ़ेंगे अब आप इसम सॉरी अब आप फेल और फाइल को जानेंगे उसके बाद जब आप मफूल कहेंगे तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ये कौन सा मफूल है तो आपको जानना चाहिए अगर इस तरह की कंडीशन हो जैसा कि भी अर्ज किया गया तो आप बता सकते हैं मफूल भी ही है दूसरी किस्म जो मफूल की है जो मंसूब नेचुरली मंसूबात कहलाता है इसको कहते हैं मफूल फी ही मफूल फी ही का दूसरा नाम जर्फ भी है इसको जर्फ भी कहते हैं ये ऐसा इसम है जो फेल का वक्त या जगह बताने के लिए इस्तेमाल होता है यानी ऐसा मफूल यानी ऐसा मफूल ऐसा मंसूब इसम जो फेल का वक्त या जगह बताने के लिए इस्तेमाल हो मफूल फी ही कहलाता है मफूल फी के तौर पर आने वाले इस्म को अः नी इसमें जर्फ भी कहते हैं जिनकी दो बड़ी बड़ी किस्में हैं एक तो है जर्फ जमा ज़रफुज़मा जमा कहते हैं ऐसा इसम जो बताते हैं कि फेल किस वक्त वाक़ा हुआ जमा कहते हैं ना जमाना किस जमाने में वाक़ा हुआ जैसे लाइलन रात के वक्त नहारन दिन के वक्त ईशा अन इशा के सबाहन सुबह के वक्त अबदन हमेशा मसाअअ शाम के वक़्त बकर सुबह के वक्त असीलन शाम के वक्त दोहन दिल चढ़ ये, ये तमाम चीजें जो है ये जो आप देख रहे हैं ये जो मैंने असमा यहाँ बयान किए हैं ये असल में फी ही है और ये मफूल फी ही जो है ये बहस इस्तेमाल होता है और अगर ये किसी जमाने को इंडिकेट करे तो जमा कहते हैं अब याद रखना चाहिए कि जमा जो है अगर जमा पे अगर आप हरफी जारा हालत में आता है। अगर नहीं आता, अगर पहले नहीं है, तो आप उसको हमेशा नस्ब की हालत में देखेंगे तो अक्सर इन इन, इन अरबी अलफाज को आप कुरानी मजीद में ज्यादातर बहसित मफूल भी, फी यानी जरफ़ के साथ इस्तेमाल पाएंगे और इनको आप नसब की हालत में देखेंगे नसब का मतलब या देखिए दो जबर है दो जबर है दो जबर है ठीक है कुरान मजीद की सूरत नुह आयत नंबर नु पांच अल्लाह फरमाता है रब भी इन्हें दुआ किया गया अल्लाह अल्लाह ने अल्लाह के नबी नू आलाम ने उनने क्या दुआ की रब ए मेरे रब इन्नी बिला शुबा मैं दाउतु बिला शुबा मैंने दाउतु दावत दी ये माजी कसेगा है और अब इन्नी दाऊत ए मेरे रब बिलाशुबा या बेशक मैंने दावत दी कौमी मेरे कौ को यानी अपने कौम को अपने कौम को कौमी यानी अपने कौम को यहाँ पर यहाँ पर आप देख रहे हैं दाऊत जो है ये इसमें यहाँ पर हमारे पास फेल फाइल मौजूद है मफूल इसमें है कौमी यानी मैंने अपने कौम को दावत दी लाइलन वनहार लाइलन रात को और नहारन दिन को अब कौमी इसमें जो है ये भी मफूल है ठीक है मगर लाइलन व नहारन जो है इसमें जो लाइलन व नहारन है चूंकि ये हमारे पास जरफु जमा है मफूल फी ही कहलाएगा क्योंकि ये इंडिकेट करता है जमाने को इन्हें हजरत नू अल्लाह से दुआ कर रहे कि अल्लाह मैंने दावत दी अपने कौम को ये जो कौमी यहाँ पर है इसको मफूल भी ही कह सकते हैं मगर लाइलन वनहारा जो है ये मफूल फी ही इसी तरह एक और मिसाल हमारे पास है हमारे पास है और या बाबी पे डालिए बनेगा बकाया ये बनेगा बका क्यों आपको पता है यब क्यों जमा कीजिए जमा मुजकर गाय बनेगा यब क्यूँ ना यब क्यों ना में तब्दीली आएगी ये बनेगा यब क्यों ना पढ़ा नहीं जाएगा तो ये इससे यानी माकबल जो हमारे पास वाव साकिन है उससे माकबल पेश आएगा तो बनेगा या बकूना तर्जुमा होता है वो रोते हैं अब इसको इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर जिससे आप समझ सकते हैं कि जरफु जमा कैसे इस्तेमाल हुआ सूरत है शुरू यूसुफ आयत नंबर सोलह में अल्लाह फरमाता है वह जाऊ और वो आए और वो आए तो जाऊ यहाँ पर यानी हमारे पास फेल फाइल है आबाह अपने बाप के पास अब देखिये अबाह हमारे पास मफूल है ईशा अन किस वक्त आए ईशा को यानी इशा के वक्त यब कुना रोते हुए यहां पर आप देख रहे हैं ना ईशा अन ईशा अन क्योंकि ये मनसूब है तो ये हमारे पास मफूल हो गया मगर मफूल की कौन सी किस्म आप कह सकते हैं मफूल फी ही और मफूल फी ही को हमने जर, जम, जर्फ कहा है जर्फ में भी कौन सा जरफु जमा अब ये चीजें आप याद रखिएगा दूसरी किस्म ज़रफ़ की है जिसको जरफ़ी मकाम भी कहते हैं ऐसा इसम जो बताते हैं कि फेल किस जगह पर वाक़ा हुआ वो तो था ज़माने ये मका है जरफ़ यानी किस वाका कहा पर यह फेल वाक़ा हुआ उसके लिए जो मफूल इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं ज़रफ़ मक जैसे फोका ऊपर तख्ता नीचे अमामा सामने खलफा या वरा पीछे आंदा या लदुन पास मत दू न अलावा दरमियान यमीन दाए शिमाल बाए शर्कन मशरक गरबन मगरबह शिमाल शिमाल जुनूब जुनूब तो ये तमाम चीजें जो है ये मका यानी किसी जगह को डिनोट करते हैं अगर इस तरह का मफूल आप देखेंगे तो आप जानिएगा ये भी ज़रफ़ है मफूुल फी ही की कस्म है जिसको ज़रफ़ो मकान कहते हैं कभी कभी आप यानी इसी तरह का पाएंगे हा हुना या हुना का हुना का समा ये तमाम चीज़ें भी इंडिकेट करते हैं किसी जगह को मगर हुना का या हुना हा हुना या तमा ये तमाम असल में इसमें इशारा है ये हमारे पास इसमें इशारा है और कभी कभी इसमें इशारा भी ज़र्फ़ के मायने में इस्तेमाल होता है अब हम कुछ मिसालें देंगे ये चीज समझाने के लिए एक हदीस में आया है अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया अल जन्नतु जन्नत ठीक है अल जन्नतु और अल जन्नतु जो है ये यह यहाँ पर यानी हमारे पास मुबतदा है क्योंकि जुमला इसमें आया है तहता अकदामिल उम्माती जन्नत माओ के कदमों के नीचे है अब देखा ना यहाँ पर यहाँ पर आया है तहता तो तहता जो है ये ऊपर आपने देखा नीचे आ गया तो यहाँ पे भी ये बहसित जर्फ इस्तेमाल हुआ है जन्नत जन्नत माँ के कदमों के नीचे है तो यहाँ पर जो तख्त इस्तेमाल हुआ हालांकि ये हमारे पास जुमला इसमिया है मगर इसमें भी ये जो तख्त इस्तेमाल हुआ ये जरफो मकान इस्तेमाल हुआ यूसुफ़ आयत नंबर सुरसुफाबर अल्लाह फरमाता है तरक ना हमने छोड़ा तरक ना हमने छोड़ा तो फेल फाइल इसमें है यूसुफा यूसुफ, यूसुफ को इंदा अपने सामान के पास अब देख रहे जो है इंदा मता इना ये भी ज़रफ़ है कौन सा ज़रफ़ जरफ़ यानी किस जगह उसको छोड़ा तो ये चीजें अब आप जब आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह न सिर्फ ये कि आप ये बता सकते हैं कि फेल फाइल कौन है आप मफूल बता सकते हैं और मफूल की किस्म भी बता सकते हैं क्योंकि हर एक किस्म में अपनी एक वैरायटी है अपना उसका एक उसलूब है सूर्य अल्लाह फरमाते हैं वह का कुल इमिन और हर इलम वाले के ऊपर कोई व फो का अलीम और हर इलम वाले के ऊपर कोई ज्यादा इल्म वाला होता है तो यहाँ पे भी आपने देखा फौ का इस्तेमाल हुआ है ये भी यहाँ पर ज़र्फ़ मकान इस्तेमाल हुआ है एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कुरानी मजीद में अरबी ग्रामर में कबला और बाद इस्तेमाल होता है ये भी ज़रफ़ जमा और ज़रफ़ मक़ा दोनों के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है कबल और बाद क्योंकि इसमें आप देखेंगे मक़ा भी है और जमा भी है और ये भी मजा बन के आते हैं और हालत नसब में होते हैं मगर अगर इनसे पहले कोई हरफी जारा आए जैसे मिन इस्तेमाल आए तो ये भी मिन कबल या मिन बा में तब्दील हो जाएंगे यानि ये भी उस हर्फी जारा का असर लेके मजरूर बन जाएंगे मगर अगर ये मुजाफ अल उनके पास ना हो सिर्फ मुजाफ बन के आए और उसके बाद उनका मुजाफ जो है वो महजूफ़ होगा जैसे आपने देखा कबलु और बादु उसके बाद उनका मुजाफ जो है वो महजूफ होगा वो, हो वो नहीं पाया जाएगा तो उस वक्त आप हमेशा कबलु और बादु यानी दोनों के ऊपर पेश देखेंगे हालत रफा में देखेंगे याद रखिएगा चाहे उससे पहले यानी हमारे पास मिन भी क्यों ना हो यानी मिन कबलू और मिन बाद हालांकि आम हालत में मिन कबल और मिन बाद आना चाहिए मगर अगर ये मुजाफ बन के आए और उनका मुजाफिला महजूफ़ हो वो उस वक्त आपको बताया जाएगा मिसालों के जरिए तो उस वक्त मिन होने की सूरत में भी ये कबलू और बादू आएगा यानी कबल और बा नहीं आएगा इस तरह की मिसालें कभी आप कुरान में देखेंगे तो याद रखिएगा इस वक्त ये जो कबल और बादू है ये मुजाफ बन के इस्तेमाल हुआ है और उनका मुजाफिल महसूफ होगा ये मुजाफ का कायदा हमने पहले पढ़ा है अब जो तीसरी कंडीशन है जिसमें हमारे पास मफूल जो है ये मतलब मंसूब बन के आता है पहली कंडीशन तो थी मफूल भी ही दूसरी कंडीशन थी मफूल फी ही तीसरी कंडीशन जो है जिसको कहते हैं हाल हाल का मतलब क्या है हाल का मतलब यह है कि ये एक नकरा इसम होता है जो फेल के वाक़ होने के वक्त फाइल या मफूल या दोनों की हालत बयान करे ठीक है ये एक नकरा इसम होता है ये मारिफा इसम नहीं होता जो फेल के वाक होने के वक्त इन्हें जो फेल वाक़ होता है चाहे वो फेल फाइल हो या मफूल उनकी हालत बताता है इसीलिए उसको हाल कहते हैं मफूल हाल इसको कहते हैं और मफूल हाल की शिनाख्त यह है कि उसका तर्जुमा आएगा किस तरह या किस हालत में जवाब के तौर पर इस्तेमाल आता है ठीक है और जिस इसम का हाल बयान किया जाता है उसे जुल हाल कहते हैं यानी जिस इसम का ये हाल बयान किया जाता है उसको जुल हाल कहते हैं अब मिसाल उनके जरिए समझाएंगे ये क्लियर हो जाएगा तो हाल जो है एक नकरा इसम है जो फेल के वाक होने के वक्त फाइल या मफूल या दोनों की हालत को बयान करता है तो ऐसे मफूल को मफूल हाल कहते हैं और मफूल हाल की शिनाख्त यह है कि वो किस तरह या किस हालत में के जवाब के तौर पर इस्तेमाल आता है ठीक है और जिस इसम पर यह हाल वाक़ा हो उस इसम को हम जुल हाल कहते हैं सूरत लाहज आयत फोर्टी फाइव फोर्टी सिक्स अल्लाह तबारा फरमाते हैं यान नबी ए मेरे नबी या ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना यकीनन हमने अरसलना भेजा का आपको देखिए अरसलना जो है ये है फेल फाइल का जो है ये मफूल है मफूल के बाद अब देखिए और मफूल आए हैं शाहिदन गवाही देने वाला व वा मुबशरन और खुशखबरी देने वाला व वा नजीरन और डराने वाला ये देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक फरमाते हैं कि हमने आपको भेजा किस हाल में भेजा यानी कौन सी हालत में आपको भेजा देखिए ये जो यहाँ बयान किया जा रहा है ना शाहिदन एक आपको भेजा है गवाही देने वाला व वा मुबशरन और खुशखबरी देने वाला व वा नजीरन और डराने वाला ये जो तीनों कंडीशन है ना ये आप की बासत को बताते हैं तीनों कंडीशन आपने देखा नकिरा में है और ये हमारे इस या फेल को या फाइल को बताते हैं ठीक है फाइल या मफूल को बताते हैं कि हमने आपको किस कंडीशन में भेजा किस हाल में भेजा और वदायन और बुलाने वाला देखिए शाहिदन व व ये चार जो यहां पर इस्तेमाल हुए हैं मफूल ये चूंकि हाल बताते हैं मफू यानी हमारे पास फाइल के यानी जिसको भेजा गया या मफूल के तो इन चारों को हम कह सकते हैं हाल इला अल्लाह की तरफ यानि वाह बुलाने वाला भेजा बुलाने वाला बनाया अल्लाह की तरफ से भी नहीं उसी के हुकुम से वम मुनरम और रोशन चराग बनाकर कर आपने देखा यहाँ पर आप की जो सिफतें हैं आपकी जो हाल है आपकी जो कंडीशन है यानी किस तरह आपको उतारा गया किस तरह आपको भेजा गया उस कंडीशन में जो चीजें बताई जाती है इसी को हम हाल कहते हैं शाहिद मुबशरन नजीरन दाजरन ये तमाम जो हालात है हालात है रसूल के या आपकी बासत के उसको बयान किया जाता है इसको हम हाल कह सकते हैं हाल भी हमारे पास मंसूब की किस्म है यानी ये एक्चुअली हमारे पास फाइल की या मफूल की ज्यादातर मफूल के हालात बयान करते आमरान आयर नाइन्टी फाइव अल्लाह फरमाता है, अल्ला है फत तब बस तुम पैरवी करो यानी यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर यानी हमारे पास फेले अमर है मिलता अब किस चीज की पैरवी करो मफूल के बारे में कहा जाता है मिलता लता इब्राहिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन की हनीफन जो कि यक्सु है यानी जो कि यक्सु होकर यानी यक्सु होकर किस तरह यानी आपको इतबा करनी है मिल्लत इब्राहिम की इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन की हनीफन यकसू होकर यानी किस हालत में आपको हमें जो हुक्म दिया गया है किस हालत में इब्राहिम के दीन की हमें पैरवी करनी है यकसू होकर आपने देखा किस हालत में हमें करनी है जो हालत बयान की जाती है ये जो ये वाला इस्म आप देख रहे हैं ये असल में नक़ीरा इसम है और हालत बयान कर रहा है यहाँ पर यानी मफूल की हनीफन हनीफन मने यकसू होकर तो हनीफन इसमें हाल है शुरु बकर आयत टू, थ्री, एट, है, तुम हिफाजत करो आला सलात नमाजों की वलातुलस्ती और दरमियानी नमाज की वो और खड़े हुआ करो अल्लाह के लिए अल्लाह के लिए, अल्ला के लिए, अल्ला के लिए आजिजी के साथ यानी खड़े हो जाओ अल्लाह के लिए आपने यहाँ पर देखा कि जो है ये फेल फाइल है मगर उसके जो हुक्म दिया गया किस तरह खड़े हो जाओ किस हाल में खड़े हो जाओ तो कानितीन आजी के साथ तो कानितीन यहाँ पर जो है ये भी हाल है ये भी मंसूब आ गया सूरत नंबर थर्टी एट अल्लाह फरमाता है याउुमा और रोह जिस दिन खड़े होंगे जिब्रील रूह का तर्जुमा यहाँ पर आते हैं मलाइकातु और फरिश्ते

हमारे पास हाल बन के आ गया मफूल की कंडीशन इन मफूल बन के आ गया मगर हाल है सुरह आल इमरान वन, वन अल्लाह फरमाता है अल्लादीन यदकुरून अल्लाह वो जो याद करते हैं अल्लाह को यदकुरून अल्लाह इन्हें यदकुरून फेल फाइल इसमें मौजूद है अल्लाह यहाँ पर मफूल है मफूल यहाँ पर है उसके बाद कहा जाता है किस सूरत में क्यामन वकूदन यानी वो अल्लाह को अल्लाह की अल्लाह की याद करते हैं या अल्लाह की याद करते हैं किस हालत में क़ियामन खड़े होकर वकूदन और बैठकर तो क़ियामन वकूदन ये जो दोनों है ये हाल है दोनों नकर है और ऊपर आप देख रहे हैं वह अला भी और अपने पहलुओं पर तो यहाँ पर आपने देखा तीसरी कंडीशन जिसको हम हाल कहते हैं जो मनसूब बन के आता है चौथी कंडीशन जो है वो है मफूल लहू मफूल लहू का तर्जुमा क्या है ये ऐसा मसदर जो किसी इसम की वजह सबब या मकसद बताने के लिए इस्तेमाल हो उसको कहते हैं मफूुल लहू मिसाल के तौर पर सूरह बनी नंबर थर्टी वन अल्लाह फरमाता है वला और मत करो अपने अवलाद ठीक है यानी अपने अवलाद को कतल मर करो तो तखलु फेल फाइल अवलादाकुम अपने अवलाद ये भी मफूल है मगर खशयत इमलाकिन वजह बताई गई तंग दस्ती के खौफ की वजह से यानी अपने अवलाद को कत्ल मत करो इस वजह से कि वो तुम तंग दस्त हो जाओ नहनु नम हम ही रिजिक देते हैं व याकुम उन्हें और तुम्हें भी इसमें भी आपने देखा खशियत इमलाक यहां पर सबक बयान किया गया तो ये हमारे पास मफूल लहू हो गया सूरह अनफाल की आयत 47 अल्लाह फरमाता है वला खरजू मिन दियारिहिम और मत बन जाओ तुम सब उनकी तरफ जो निकले अपने घरों से दियारिहिम बतरन उतारते हुए और लोगों को दिखाते हुए ये देखिए यहाँ पर आप मकसद या सबब बताया जाता है तो ये दोनों मकसद या सबब यहाँ पर मफूल लहू हो गए शुरू यकीन नुकसान उठा चुके हैं वो लोग जिन्होंने कतलू मार डाला फेल फाइल इसमें है औलाद हम अपने औलाद को सफहम नादानी ये देखिए ना, ना यहाँ बताया जाता है सबब सफहम बगैर इल्म और बेइल्मी की वजह से सो सफहम जो है ये आप देख रहे हैं कि ये भी यहाँ पर मफूल लहू इस्तेमाल हुआ सूरह बकरा आयत नंबर टू अल्लाह फरमाता है युनफिकूल अमवालहुम बतिगा मरदातिल्लाह वो खर्च करते हैं अपने माल अल्लाह की रजा हासिल करने के खातर यहाँ पर मकसद बयान किया जा रहा है तो ये भी लहू मफूुल्बर उन्नीस अल्लाह फरमाता है यह जो आलो वो डाल लेते हैं अपनी उंगलियों को फी आदानी हिमिनत सवार की अपने कानों में बिजली की आवाज सुनकर हजर अलमाउत मौत के खौफ की वजह से यहाँ पे भी आपने देखा सबब यानी वो अपने उंगलियों को क्यों आंखों में डालते हैं उसकी सबब यहाँ हजर मौत बयान किया गया ये भी मफूल लहू है उसके बाद जो पांचवी किस्म है जो मफूल बन के या जिसको हम यानी मनसूबात कहते हैं वो है तमीज तमीज क्या होता है इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा तमीज का मतलब क्या होता है ऐसा मनसूब इसम यानी ये भी इसम मनसूब होता है जो मुख्तलिफ पहलुओं में फर्क करके मफहूम को वाज़िय़ा करे उसको तमीज कहते हैं तमीज का तर्जुमा आता है के लिहाज से या के, से। मिसाल के पर, रब जिदनी, ए मेरे रब तू बढ़ा मेरे इन तू बढ़ा मुझे तू मजीद कर मुझे आता इलमन इलम की वजह से यानी इलम के लिहाज से तू बढ़ा मुझे इल्म के लिहाज से तो ये जो के अतबार से के लिहाज से आया है ऐसे मनसूब को इसम को कहते हैं तमीज ये भी मफूल बन के आता है मगर इसको तमीज कहते हैं यहाँ पर आलू के वजन पे बनेगा आ और इसको आप ये बनेगा आजू आखिये आजू बनेगा इसका आपने कायदा पढ़ा ये क्यों बनता है यहाँ पर एक दो मिसालें देंगे क्योंकि वक्त हमारे पास कम है अल्लाह फरमाते हैं सूरत आटी फोर में का नफरन ज्यादा हूँ तुम में से माल के लिहाज से और मजबूत हूँ जत्थे के लिहाज से अब देखे नफरन मालन यहाँ पर के लिहाज से के लिहाज से जो तर्जुमा आया ये तमीज़ कहलाता है इसी तरह शीन दाल दाल अपल के वदन पे ये बनेगा अशद्दु हाती लोग ज्यादा बड़े हैं बड़े हुए हैं किस कुन व लिहाज आपने देखा ना के लिहाज से यानी किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के के लिहाज से के साथ से इस्तेमाल करने को तमीज़ कहते हैं सूरत आयत एम और कौन सच्चा है अल्लाह सच, यानी कौन है ज्यादा सच्चा अल्लाह से हदीसन बात में ने बात में बात के लिहाज से सुरह बनी वन वलल आखिरत अकबर और यकीन आखिरत ज्यादा बड़ी है दारोजातिन मतबों के लिहाज से व अकबर और ज्यादा बड़ी है तफीला फजीलत के लिहाज से आप देख रहे हैं दरवाजातिन तफी ये भी तमाम हमारे पास मनसूबात है मगर ये तमीज कहलाते हैं एक और आयत है कुल अशद थे, तौबा थे टी नारु और आप कह दीजिए कि जहनम की आग ज्यादा सख्त है रन, गर्मी के लिहाज से आप देख रहे हैं ना हर यहाँ पर इस्तेमाल वैसे थी तमीज इस्तेमाल हुआ आखिर में हमारे पास ये आखिर स्लाइड है मफूल बन के आता है मफूल मुतल के लिहाज से ऐसा मसदर जो अपने ही फेल के बाद ताकिद के लिए या फेल की नबीयत बताने के लिए इस्तेमाल हो उसको क्या हम कहते हैं मफूल मुतलक इसका तर्जुमा आता है बहुत बिल्कुल बहुत खूब पूरा पूरा या इसी तरह के दीगर अल्फ इस्तेमाल किए जाते हैं सूरत नंबर पचास अल्लाह फरमाता है वू और उन्होंने चाल चली मकरन खूब चली यानी आपने देखा चाल के बारे में कहा गया फिर उसी को और बड़ा चढ़ा के बयान किया यानी पूरी चली बिल्कुल चली बहुत खूब चली वह मकरना और हमने भी चाल चली मकरन खूब चाल चली वाहन और वो शुरू नहीं रखती यहाँ पर आप देख रहे हैं ना मकरन मकरन यानी जिस चीज़ को जाहिर किया जाता है यहाँ मकर फेल फाइल और मफूल जो है इस्तेमाल इस, इस तरह इस्तेमाल किया गया कि फेल की नवियत को बताता है और मजीद बताता है ऐसे फेल को यानी ऐसे मफूल को मफूली मुतलक कहते हैं सुरहआब में अल्ला फरमाता है सुम फिर शकक ना हमने फाड़ा जमीन को शक नल अर्द हमने फाड़ा जमीन को ना फेल फाइल अर्दा मफूल शक्का अच्छी तरह आप देखिये उसी फेल को ताक़ीद के जरिए और ताकदन बयाना बताया जाता है यहाँ यानी हमने शक नल अर्दा हमने जमीन को फाड़ा शक्कान मजीद फाड़ा यानी अच्छी तरह से फाड़ा ये जो ताकिद है ये असल में जिसको हम कहते हैं मफूल मुतलक। इसी तरह सूरत आयत नंबर ट्वेंटी वन में अल्लाह फरमाता है इदा दुख कतिल अर्दु जब तोड़ा जाएगा जमीन को दक्कन दक्का खूब अच्छी तरह से आप देखिए ना दक्कन दक्का ये भी इन्हें ज्यादा ताकीद बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है फेल को तो इसको भी हम फेल मुतल कहते हैं वरत तिल और ठहर ठहर कर कुरान पढ़ो तरतीला इन्हें खूब खूब अच्छी तरह से यहाँ पर भी तरतीला ये भी फेल मुतलक है मुतलक इन्हें इसको कहते हैं मफूल मुतलक मफूल मुतलक इसको कहते हैं कुरान में है सूरह बनी इसराइल आयत नंबर ट्वेंटी सिक्स ला तुबज़्ज़िर तबज़ीरन मत करो फजूल खर्ची तबज़ीरन यानी बिल्कुल फदमरनाहा तदमीरा पस तबाह व बुरबाद कर दिया हमने उसे तदमीरा यानी मुकम्मल तबाह कर दिया बज़ अवकात मस्तर किसी इसम सिफत का मुजाफिल बन के आता है ऐसी सूरत में मुजाफ को हालत नसब दे दी जाती है मिसाल के तौर तो पर सूर्य अनाम की आयत है मा कदर हकरे ही न कदर की उन्होंने अल्लाह की उसकी कदर हक के मुताबिक यहाँ पर आपने देखा हक का कदरी ही यहाँ पर हमने देखा कि मुजाफ को हालत नसब में दे दिया गया मजाफ यहाँ पर हालत नसब में आ गया एक और मिसाल है अल्लाह फरबाता है युब्बू नम का हब्बिल्ला वो मोहब्बत करते हैं वो मोहब्बत करते हैं उनसे अल्लाह की मोहब्बत वल्ल उनसे मोहब्बत अल्लाह की जैसे यानी वो मोहब्बत करते हैं बुतू से जैसा कि मोहब्बत करनी चाहिए यानी जैसा कि मोहब्बत अल्लाह से करनी चाहिए वल्लीना और वो लोग आमनू जिन्होंने ईमान लाया अशद तरीन करते हैं हब्बन मोहब्बत ला अल्लाह से ये जो हब्बन है ये भी यहाँ पर मफूल मुतलक है आखिर मिसाल वाहिद जहादी ही और जहाद करो अल्लाह के राम उसके जहाद के हक के मुताबिक ये जो हक का जहादी ही ये भी मफूल मुतलक इस्तेमाल हुआ है तो इस तरह अल्लाह के फजलोकम से आज हमने लास्ट लेक्चर फिनिश किया अल्लाह तबारा से आखिर के इस मिनट में दुआ है कि अल्लाह इस काविश को हमारे यानी नाम आमाल में कबूल फ़रमा और इसमें जो गलतियां हुई अल्लाह अपने फर्ज क़रम से उसको दूर करें और हमें मजीद तोफ़ी अता करके कुरान को अच्छी तरह से समझे, अल्लाह तबारक तला आपको भी सेहत व सलामती के साथ रखे और मेरी इस कोशिश को भी कबूल फरमाए दावत जालियात जो जद्दा से हैं उनकी यानी काविश को भी कबूल फरमाए वाख रदाना अनहमदबमिन अलकुम वरम वबरक